नमस्कार, एमकेएन न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ आदिवासी आंदोलन के लोकनायक बिरसा मुंडा की आज 146वीं जयंती है। आज भी बिरसा को भगवान और धरती आबा के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आजादी और आदिवासी अस्मिता के प्रतीक बिरसा मुंडा का जन्म आज ही के दिन यानी 15 नवंबर 1875 में झारखंड के रांची जिले के इलहतु गांव में हुआ था और पूरा देश उनके जन्म दिवस को जनजाति दिवस के रूप में मना रहा है। तो आइए जानते हैं बिरसा और उनकी शहादत को इस खास रिपोर्ट में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलिहतु गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमीहटू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद हलिहतु से कुरुमदा आकर बस गया, जहां वो खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बंबा चला गया। बिरसा परिवार वैसे तो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उनका अधिकांश बचपन चलकड़ में बीता था। बिरसा बचपन से ही अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते थे और थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने जाना पड़ता था। जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए वो बांसुरी बजाया करते थे और कुछ दिनों बाद बांसुरी बजाने में उस्ताद भी हो गए। उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र तुइला बनाया था, जिसका भी वो वादन करते थे। उनके जीवन में कुछ रोमांचक पल अखारा गांव में भी बीते थे। गरीबी के दौर में बिरसा मुंडा को उनके माता पिता ने उनके मामा के गांव अयुभातु भेज दिया। अयुभातु में बिरसा 2 साल तक रहे और वहां से स्कूल में पढ़ने गए। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसीलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा। अब उस समय क्रिश्चियन स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना बहुत जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम बिरसा डेविड रख दिया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया था। बिरसा डेविड और बिरसा दाऊद होने के बाद बिरसा के जीवन में एक नया पड़ाव तब आया जब उनका संपर्क स्वामी आनंद पांडे से हुआ। स्वामी आनंद पांडे ने उन्हें हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय कराया। कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिनके कारण लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। लोगों में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही सारे रोग दूर हो जाते हैं। बिरसा ने ईसाई स्कूल को छोड़ने के बाद हिंदू धर्म में प्रभाव में वो आ गए थे, जिसके बाद वो ईसाई धर्म परिवर्तन का विरोध करने के साथ ही आदिवासियों में जागरूकता फैलाने लगे। दरअसल उसी समय इस इलाके में रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शारीरिक और चारित्रिक शोषण किया जा रहा था। आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। बिरसा ने सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया, लोगों को अपने धर्म का ज्ञान दिया, गौ हत्या का विरोध किया। 1895 में बिरसा ने अपने आप को अलौकिक ईश्वरीय समता से युक्त विष्णु का अवतार घोषित किया। लोगों ने भी बिरसा को भगवान का अवतार माना और उन पर विश्वास करने लगे। बड़ी संख्या में लोग उसकी बातों को सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। बिरसा की बातों से लोग बहुत ही तेजी से प्रभावित हो रहे थे, जिसके चलते ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों की संख्या में तेजी से कमी आई। साथ ही ईसाई बन चुके मुंडा फिर से अपने पुराने धर्म में लौटने लगे। इसके बाद आगे चलकर बिरसा ने लगान माफी को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। बिरसा ने आदिवासियों की एक सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ छापामार लड़ाई शुरू कर दी और इसके बाद दिनांक 1897 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा के नेतृत्व में छापामार लड़ाई द्वारा अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया।
अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। वहीं 1898 में तांगा नदी के किनारे बिरसा ने अंग्रेजी सेना पर हमला किया और अंग्रेजों को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। बाद में अतिरिक्त अंग्रेजी सेनाओं के आने के बाद आदिवासियों की पराजय हुई और कई आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजी सेना ने बिरसा को उसके समर्थकों के साथ जंगल से गिरफ्तार कर लिया और बिरसा की जेल में संदेहास्पद अवस्था में 9 जून 1900 को मौत हो गई। अंग्रेजी सरकार ने बताया कि हैजा के चलते बिरसा की मौत हुई है। हालांकि आज तक यह स्पष्ट नहीं है कि बिरसा की मौत कैसे हुई है। बिरसा मात्र 25 साल की उम्र में देश के लिए शहीद होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को प्रेरित उन्होंने किया, जिसके चलते देश आजाद हुआ। मुंडा आदिवासियों द्वारा बिरसा को आज भी धरती बाबा के नाम से पूजा जाता है। बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई भी लड़ी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया था। ये महाजन, जिन्हें वे दीकू कहते थे, कर्ज के बदले उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। ये मात्र विद्रोही नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने के लिए उनका संग्राम था। और ऐसे ही महान क्रांतिकारी को हम भी शत-शत नमन करते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।